हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानवी की स्टडी। तो आज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 16। और आज के जो टॉपिक्स हैं आपके वो हैं रीनेमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव टू एम्स इंस्टीट्यूट्स एंड 9 मेडिकल कॉलेजेस एंड स्कूल हेल्थ एम्बेसडर। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रीनेमिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसको रीनेम किया गया है, और ये हुआ है आपका फरवरी 19, 2020 को। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ये हम देख लेते हैं, और उनको रीनेम करके क्या नेम दिया गया है ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस दैट इज़ IDSA को रीनेम करके मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ कर दिया गया है। द फॉरेन इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली को रीनेम करके सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज किया गया है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रीनेम करके अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया है। तो ये तीनों टॉपिक आपको याद करने हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स 2 एम्स इंस्टीट्यूट्स एंड 9 मेडिकल कॉलेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 2 इंस्टीट्यूट्स सेटअप करने की बात की जा रही है, और ये जो प्रपोजल है आपका ये यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, अप्रूव किया है। और ये होगा आपका, ये जो प्रपोजल है ये आपका आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। कॉस्ट जो है टोटल इस प्रोजेक्ट की वो है आपकी 1661 करोड़, और इसकी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा 2022 तक। इसके अलावा जो ये आपके एम्स होंगे इसमें नर्सिंग कॉलेजेस भी किए बनाए जाएंगे, इसके अंदर ही होंगे वो। और ये सारी बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट होंगी ये एज अ ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। ग्रीन बिल्डिंग के बारे में आपको पता ही होगा, जो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स होती हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च हुई थी 2006 में। उसके अलावा इस इंस्टीट्यूट जो ये पर्टिकुलर स्कीम है इसमें 6 इंस्टीट्यूशंस भी आपके पहले जो पहला फेज़ है उसमें बिल्ड किए जाएंगे, जो आपके एम्स होंगे। और उसके अलावा जो ये आपके बिल्ड किए जाएंगे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरांचल एंड राजस्थान में। सेकंड फेज़ में 2 एम्स आपके सेटअप किए जाएंगे यूपी और वेस्ट बंगाल में, और 6 मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे थर्ड फेज़ में, जो कि आपके उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस जो अभी एग्जिस्टिंग हैं उनको अपग्रेड भी किया जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। स्कूल हेल्थ एम्बेसडर करके एक नई इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है आपका फरवरी 12, 2020 को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया है ये, और इसमें आपके जो भी जो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये आपका आयुष्मान भारत में भी इसके अंतर्गत भी ये आता है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, स्कूल हेल्थ एम्बेसडर। इसमें होगा क्या, इसमें 2 टीचर्स को हर एक स्कूल से हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाएगा, और उनको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो स्कूल में बहुत सारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं उनको देख सकें और उन इनिशिएटिव्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें। जैसे ईट राइट कैंपेन आपका है, फिट इंडिया मूवमेंट है, एंड पोषण अभियान है। तो इन सारी चीज़ों में ये जो एम्बेसडर्स होंगे ये उसको ओवरलुक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पॉलिसीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके स्कूल्स में या नहीं, और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने में काम करेंगे, ठीक है। इन सारे एम्बेसडर्स को ट्रेंड भी किया जाएगा नेशनल रिसोर्स ग्रुप के अंतर्गत, और ये आपके ये जो नेशनल रिसोर्स ग्रुप है ये NCERT ने बनाया हुआ है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और एक एक पॉइंट इसका क्लियर कर लीजिएगा। जो जो जैसे आपका हो गया नेशनल रिसोर्स ग्रुप, ये किसका है, तो ये NCERT का है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज के टॉपिक थे, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।